आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका की सांसद ने नया राष्ट्रपति चुना है। देश में अब तक के सबसे बड़े भीषण आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के बाद लोगों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, इसीलिए नए राष्ट्रपति के लिए ये चुनाव किया गया और चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को 223 में से 134 वोट मिले और राष्ट्रपति चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे ने जीत दर्ज की। 70 के दशक में रानिल ने पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमाई और 1977 में पहली बार वो सांसद बने। 1993 में वो पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1994 से वो यूनाइटेड नेशनल पार्टी के चीफ रहे। वो अब तक 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके। 2019 में रानिल ने अपनी पार्टी के प्रेशर की वजह से ही प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। इससे पहले वो श्रीलंका के उप विदेश मंत्री रहे, युवा और रोजगार मंत्री सहित कई बड़े पदों पर उन्होंने काम किया और अब वो श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और नवभारत डिजिटल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।